हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बावर्चीज़। जैसे कि विंटर सीज़न चल रहा है और इसमें नई नई सब्जियां हमें खाने के लिए मिलती हैं, उसी के साथ मिलती है हमें अचार के लिए हरी और लाल मिर्च, जिसका अचार सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए इसका अचार बनाते हैं मेरी एक स्पेशल ट्रिक के साथ। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो ये लाल वाली मिर्च ली है अचार की, और इसको मैंने पहले अच्छे से धुल लिया और उसके बाद मैंने इसको एक साफ़ कपड़े से पोंछ लिया। साफ आपको यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब हम मिर्च पानी से धुलें तो उसके बाद एक सूखा कपड़ा लें एकदम साफ़ और उससे सारे मिर्च को पोंछ लें। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए मिर्च पर। तो ये देखिए, यहाँ पर मिर्च को इस तरीके से चीर लेना है, और आप चाहें तो जैसे मैंने साबुत मिर्च ली है इस तरीके से चीरें और इसमें मसाला भरें, और इस तरीके से भी अचार बना सकते हैं। या फिर आप इसका डंठल हटा दें और जितने छोटे पीस आपको चाहिए उतने छोटे पीस कर लें, और 4 से 5 घंटे के लिए इन मिर्च को धूप दिखा दें। तो देखिए, मैंने मिर्च को धूप दिखा दी है। अब हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पैन को गैस पर चढ़ा दिया है और पैन को अच्छे से गर्म कर लिया और फ्लेम को कर लिया है लो। तो उसी के बाद हमें यहाँ पर लेना है 100 ग्राम सौंफ और 250 ग्राम धनिया, और इसी के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें और मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे जीरा और काली मिर्च। तो अब हम इसमें 2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, और इसी के बाद 2 से 3 चम्मच काली मिर्च ऐड कर दें, और इनको हमें लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है जिससे इनका मॉइस्चर निकल जाए। आप चाहें तो इस मसाले को धूप में भी सुखा करके पीस कर अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो विंटर में धूप तो बहुत कम निकलती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इनको रोस्ट कर लेती हूँ। ये ईजिली एकदम अचार बन जाता है। तो रोस्ट करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी के बाद हम थोड़े और मसाले निकालेंगे। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद किया हुआ है और पैन थोड़ा सा गर्म था, तो आप देख पा रहे होंगे बड़े चम्मच से मैंने 1/2 चम्मच मेथी दाना लिया है, और बड़े चम्मच से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कलौंजी लिया है, और जो गरम पैन था उसी में हम उसको फैला के रख देंगे। उसी के बाद ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रखें मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको कवर करके और मसाला ये देखिए दरदरा पीस लिया है। तो इसी तरीके का आपको पीसना है। अगर आप ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो अचार में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और इसी के बाद हम इसमें कलौंजी दाना और मेथी दाना ऐड कर देंगे, और फिर डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच हींग। अचार वाली मिर्च तीखी नहीं होती है, उनमें बहुत कम तीखापन होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और 1.5 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो लाल मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर दें। वैसे जो मेरे पास चम्मच थी उससे मैंने 3.5 चम्मच यहाँ पर नमक ऐड किया है, और ये 1/2 बड़ा चम्मच मैंने राई का दाना लिया था जिसको मैंने दरदरा पीसा है। एकदम दरदरा रखना है आपको इसको, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो राई हम इसलिए डालते हैं जिससे हमारे अचार में खट्टापन आए, और अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। इसी के बाद हम मसाले में सरसों का तेल मिलाएंगे। तो अच्छे से हमें सरसों का तेल मिला लेना है मसाले में, और इतना तेल मिलाएं कि मसाला अच्छे से बंधने लगे। 4 से 5 घंटे मैंने मिर्च को धूप में सुखा लिया है, और चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। मिर्च का पीस लेंगे और इसमें मसाले को हमें अच्छे से फिल करना है। तो मसाला फिल करते टाइम आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। यहाँ पर एक साफ़ कंटेनर लेंगे एकदम जो एयर टाइट हो, और उसकी तली में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, और इसमें हम अचार के पीसेस रखते चले जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पीस को रख दिया है, और ध्यान रखें आप जैसे कि अचार की 2 लेयर आ जाए, मतलब हमने एक लेयर नीचे लगाई है और उसी के ऊपर जस्ट 1 लेयर और आ जाए, तो उसके बाद अब अचार को अच्छे से हाथ से दबाएं। तो ये देखिए अचार अच्छे से बन चुका है, और ये थोड़ा सा मेरा बच गया है, और ये 1 किलो का कंटेनर था जिसमें मैंने अचार को अच्छे से भर दिया है। और आप ध्यान रखें इस तरीके से अचार को दबा दबा के भरें। मेरी मम्मी बताया करती थी इससे अचार अच्छे से सेट भी रहता है और तेल भी अच्छे से ऊपर नीचे अचार में आ जाता है। और अगर आप तेल कम भी डाल रहे हैं ना अचार में, तो अचार ख़राब भी नहीं होता है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
अचार की ये वाली रेसिपी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अचार ये। आप इसको सर्व करें दाल चावल रोटी या फिर पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी अचार लगता है। सच में मेरा तो फेवरेट अचार होता है मिर्च वाला। और अब ये देखिए, इसी तरीके से आप दोनों डब्बों में सरसों का तेल ऐड कर दें और जिससे ये अच्छे से ऊपर नीचे तेल आ जाए। और आप इसको 4 से 5 दिन धूप में रखें। जैसे आपने अचार बनाया है, 4-5 दिन आपने धूप में रखा और उसके 5-6 दिन बाद अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अचार में ऊपर भी तेल है अच्छे से, और ये देखिए साइड में भी और नीचे भी अच्छे से तेल है, और मैंने कोई इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है अभी, और कभी ख़राब भी नहीं होता है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।